हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। होप यू ऑल आर फाइन। हमने अब तक जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में ऑब्जेक्टिव का पोर्शन भी कंप्लीट किया है। उसके बाद हम लोग पैरेलली पॉलिनोमियल और ट्रायंगल्स के लेक्चर्स भी देख रहे हैं। उसी के बीच एज पर द डिमांड ऑफ योर्स, बच्चों की डिमांड पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, पॉलिनोमियल चैप्टर्स के एमसीक्यूज वाले लेक्चर जो है बीच बीच में लाता रहूँगा, ठीक है। पहले क्या हुआ था, फर्स्ट चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में 25 क्वेश्चंस कराए थे। अब जनरली हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट करेंगे, 10-15 के करीब एक एक पार्ट में हम लोग। तो 2 से 3 वीडियो हर चैप्टर में एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जो कि ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20 मिनट्स का वीडियो होगा। उसमें 10 से 15 के आसपास क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द एमसीक्यू पोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू आर, ठीक है। इसका जीरोस पूछ रहा है भाई। जीरोस निकालने के तरीके, जिसे नहीं मालूम है वो जाके सेकेंड लेक्चर को वॉच करेगा, पॉलिनोमियल का जो सेकेंड थर्ड लेक्चर आएगा उसको वॉच करेगा, तब उसमें ज्यादा क्लियर होगा। तब तक मैं इसमें समझा देता हूँ, समझो इस बात को भाई। मान लिया मैंने पॉलिनोमियल है तो इसके जीरो निकालना है, तो इसको जीरो से इक्वेट कर दो, इक्वेटेड विद जीरो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स। और सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज माइनस टू। साइन के साथ लिखते हैं। फिर क्या किया करो, ए इंटू सी करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई सी दैट इज 1 × −2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 × −2। हमें क्या चाहिए, अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई, ये जो ए इंटू सी आ रहा है उसको दो फैक्टर में रखना है। ऑलरेडी ये दो फैक्टर में है, इन दो फैक्टर को ऐसा करना है कि सम करने पे इनका वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए। आ रही बात समझ में। ऐसा फैक्टर जिनको सम करने पे वैल्यू कितनी आ जाए, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए। तो एक तो 2 ले सकते हैं, एक 1, 2 − 1 कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 और −1, या फिर अगर किसी को डाउट हो तो एक काम कर सकते हो कि माइनस साइन मल्टीप्लाई करते टाइम मत लिखो। और अब देखो कि सी का सिंबल क्या है, सी का सिंबल नेगेटिव है, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, आंसर आएगा, ठीक है ना। सब्सट्रैक्ट करने पे आंसर आएगा, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स स्क्वायर 1 के प्लेस पे 2 − 1 लिख रहा हूँ मैं, होप कि किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x − x − 2 = 0। ये नहीं कि 2 − 1 1 लिख दे, फायदा क्या हुआ उसको एक्सपेंड करने का। टेक एक्स कॉमन, इट विल बिकम एक्स प्लस 2, हियर −1 कॉमन, एक्स प्लस 2। तो एक्स प्लस 2 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से, ये बच गया एक्स और −1। सो फाइनली एक बार एक्स प्लस 2 जो होगा 0 के बराबर, सो एक्स इज इक्वल टू −2। एक बार एक्स −1 = 0, सो एक्स इक्वल टू 1। −2, 1, चेक इट विच इज द करेक्ट ऑप्शन, −2, 1। सो ऑप्शन सी इज C is correct. Next question is the zeros of polynomial 3x² − 11x − 4. ठीक है, तो इसका zeros निकालना है, तो same procedure 3x² − 11x − 4 = 0. A value is 3, B value is −11, C value is −4. ठीक है, A into C कर लो। सर A into C करते time sign नहीं लिखते हैं, हाँ sign पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये 4 और 3 किस में ब्रेक हो गया, 12 में। अब 4 + 3 = 12 हो गया। 12 को ऐसा दो फैक्टर बनाना है, यहाँ पे तो 2 दिख रहा है, लेकिन वो दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिसको सब्सट्रैक्ट करने पे, सी का साइन देखना है, जिसको सब्सट्रैक्ट करने पे बी की वैल्यू के बराबर आ जाए। ठीक है, जिसको सब्सट्रैक्ट करने पे बी की वैल्यू कितनी, 11, उसके बराबर आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 12 को 12 × 1 लिख ले रहा हूँ, 12 − 1 = 11 हो जाएगा सब्सट्रैक्ट करने पे। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 12 − 1x − 4 = 0। फाइनली 3x² − 12x + x, यहाँ से −−1x दैट विल बी x, −4 = 0। टेक 3x कॉमन, x माइनस 4 विल प्लस 1 कॉमन, x माइनस 4, दोनों जगह से x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, कितना बच जाएगा, 3x + 1। सो एक बार x माइनस 4 = 0 दैट इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू 4, और एक बार 3x + 1 = 0,
सो 3x इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री. सो ऑप्शन इज माइनस वन बाई थ्री कॉमा फोर. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. होप यू आर गेटिंग दिस. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना. बाकी स्टूडेंट्स को भी ये मिलना चाहिए ताकि वो भी फर्स्ट टर्म की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके. लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, गोइंग फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. भाई जीरोस क्या होते थे? अल्फा बीटा. इस चैप्टर में जनरली बस दो ही टॉपिक्स बचे हैं फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई का नया पैटर्न आया है. पहला टॉपिक ये है हमारा कि भाई जीरोस निकालना भाई ग्राफ से कि कितने जीरोस होंगे. तो एक्स एक्सिस को जहाँ ग्राफ कट करता है उतने जीरोस होते हैं. दूसरा ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशियंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जिसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा वाला कहानी है, वही है यहाँ पे सेम. तो वन जीरो इज गिवन एज टू. तो मैंने मान लिया लेट अल्फा इज इक्वल टू टू. बीटा के बारे में पता नहीं हमें. नाउ इज आस्किंग के, ठीक है ना, के वैल्यू. पॉलीनोमियल गिवन है तो पॉलीनोमियल क्या दिया हुआ है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के. सो वैल्यू ऑफ ए इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन, बी वैल्यू इज थ्री, सी वैल्यू इज के. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दो ही दो फार्मूला, एक तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ अल्फा की जगह टू बीटा. माइनस ऑफ बी की वैल्यू थ्री अपॉन ए इज वन. सो बीटा जो हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव हो जाएगा. सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए. अल्फा वैल्यू इज टू, बीटा वैल्यू माइनस फाइव एंड सी वैल्यू इज के. ए वैल्यू कितना है? वन. तो माइनस फाइव इंटू टू दैट विल बिकम माइनस ऑफ टेन. ठीक है, होप कि समझ में आया. क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन क्या है? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माइनस थ्री इज वन ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. अगेन अल्फा मान लो माइनस थ्री. सर अल्फा ही क्यों ले रहा है? बीटा नहीं लेट कर सकते? इट डिपेंड्स ऑन यू. लेट कर लो, अल्फा मत मानो, इसको बीटा मान लो तो भी आंसर आएगा. उसके बाद के वैल्यू पूछ रहा है, बीटा आई डोंट नो. ठीक है, नेक्स्ट पॉलीनोमियल क्या दिया हुआ? पॉलीनोमियल इज गिवन एज के माइनस वन का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स दिया हुआ है माइनस थ्री. ए वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? के माइनस वन. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी? के. वैल्यू ऑफ सी माइनस थ्री. ठीक है, नाउ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी बाई ए. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए. सब्सट्यूट करो अल्फा की जगह थ्री प्लस बीटा. माइनस ऑफ बी मतलब माइनस के अपॉन ए वैल्यू इज के माइनस वन. के माइनस वन. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हो कि के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ? अल्फा इंटू बीटा निकाल ले रहा हूँ. हो सकता है वहाँ से बीटा की वैल्यू निकल जाए तो यहाँ सब्सट्यूट कर देंगे. तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाई ए. सो अल्फा वैल्यू इज माइनस ऑफ थ्री. अच्छा, अल्फा माइनस थ्री है ना, तो ये माइनस थ्री होगा, माइनस ऑफ थ्री. सो माइनस ऑफ थ्री इंटू बीटा इज इक्वल टू सी वैल्यू इज माइनस ऑफ थ्री एंड ए वैल्यू इज, ए वैल्यू इज के माइनस वन. ठीक है, तो सॉल्व कर लो. माइनस थ्री से माइनस थ्री कट जाएगा. बीटा कितना आएगा? वन अपॉन के माइनस वन. ये बीटा ले जाके यहाँ पे सब्सट्यूट कर देना. ठीक है ना, तो ये पहला है, ये दूसरा मान लो. पुट टू इन वन. ठीक है ना, दूसर का वाला ले जाके पहले के वाले में रख दिया तो कितना आ जाएगा? माइनस थ्री बीटा की जगह वन अपॉन के माइनस वन और इधर कितना है? माइनस के अपॉन के माइनस वन. सो के फॉर्म में पूरा हो गया. थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना. एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? लेफ्ट साइड में के माइनस वन, ऊपर में माइनस थ्री के माइनस वन और प्लस वन इक्वल टू माइनस के अपॉन के माइनस वन. के माइनस वन, के माइनस वन चला जाएगा यहाँ से. माइनस थ्री के प्लस वन और ये प्लस थ्री यहाँ पे और प्लस वन इक्वल टू माइनस के. माइनस के इधर आके माइनस टू के बना देगा और ये फोर जाके उधर माइनस फोर बन जाएगा. सो टू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के?
के वैल्यू इज 2, ठीक है ना। के का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। होप कि ये बात समझ में आई। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, अल्फा प्लस बीटा में भी बीटा नहीं सॉल्व हुआ और अल्फा इंटू बीटा में भी बीटा नहीं निकला, लेकिन जनरली एक बीटा की वैल्यू दूसरे में ले जाकर सब्सिट्यूट कर दिए तो के फॉर्म में इक्वेशन चेंज हो गया एंड वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 5। इफ द पॉलिनोमियल एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस mx माइनस 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस 3। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब एक्स प्लस 3 क्या है, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर। तो भाई रिमाइंडर थ्योरम से वेरीफाई करेंगे तो ये फैक्टर जो है यहाँ से x प्लस अल्फा, तो x प्लस माइनस अल्फा का फॉर्म होता है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 3। इसको सब्सटीट्यूट करने पे ये 0 के बराबर आ जाएगा। यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम था, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। तो अगर कोई भी फैक्टर दिया हुआ है, डिविजिबल वाला मतलब फैक्टर, तो वहां से उसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस 3 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 पावर 4, ये हो जाएगा माइनस 3 का क्यूब, 8 माइनस 3 का स्क्वायर, m इंटू माइनस 3 माइनस 5। फाइनली चेक करो कितना आ रहा, माइनस 3 स्क्वायर 9, 9 जा 81, प्लस में हो जाएगा इवन पावर है तो ये 27 इंटू 2 दैट विल बिकम प्लस 54। हेयर 3, 3 जा 9, ये 72 हो जाएगा, माइनस 3m माइनस 5, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर। क्यों भाई, पॉलिनोमियल x प्लस 3 इसका फैक्टर है तो माइनस 3 इसका 0 हो जाएगा। 0 सब्सिट्यूट करने पे वैल्यू कितनी आती है, 0। सॉल्व करो इसको, ये 72 माइनस 5 77 हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो 4, सो 58 हो जाएगा। सो 3m जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 58, सो m वैल्यू विल बी इक्वल टू 58 अपॉन 3। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोज पूछ रहा है। तो भाई प्रोडक्ट निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। पहले तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, ए वैल्यू इज 2, बी वैल्यू इज माइनस 2√2 एंड सी वैल्यू इज 1। सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट विल बी इक्वल टू सी दैट इज 1 बाई ए, तो 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 1 बाई 2 प्रोडक्ट। नाउ सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए होता है। सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस ऑफ बी के जगह माइनस 2√2 बाई 2, ठीक है, ए की वैल्यू 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, सो √2 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कितना 1 बाई 2 और सम कितना √2। बच्चे गड़बड़ ये करते हैं, पहले सम निकाल लेंगे प्रोडक्ट निकाल लेंगे और ये वाला टिक लगा दें, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, पहले प्रोडक्ट बोल रहा है उसके बाद सम बोल रहा है, ठीक है। गोइंग फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। उसको स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना कि पॉलिनोमियल चैप्टर में जनरली तुम जब तक जीरोस पूछे ना तुम निकालो मत हमेशा, ये बात याद रखना कि जब तक जीरोस नहीं पूछ रहा है कि भाई अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरोस इसके क्या होंगे, तो तब तक निकालना मत। जैसे कि पहले और दूसरे क्वेश्चन में जीरोस निकालने को बोला था तो निकाला था, सर निकालना नहीं तो क्या करना है, हमेशा कोशिश करना कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो और जो पूछा हुआ है समथिंग अपॉन अल्फा समथिंग अपॉन बीटा दिस, तो उसको पहले उस फॉर्म में बना के और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे पॉलिनोमियल आ जाएंगे जिसमें अल्फा और बीटा अलग अलग तो नहीं निकलेगा लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा, तो इसका ध्यान देना। तो इफ अल्फा एंड वन अपॉन अल्फा मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जीरोज है, तो एक मान लो अल्फा की जगह अल्फा दिया हुआ, बीटा की जगह कितना दिया हुआ, 1/1 अल्फा। पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² + 11x - k - 2, ठीक है। जब भी रेसिप्रोकल हो, ठीक है, केवल एक वैल्यू k की बात कर रहा है, निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा करके निकाल दे रहा हूँ, दैट इज सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा की जगह, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/अल्फा, देख लो बीटा की जगह कितना दिया हुआ है, 1/अल्फा, तो इज इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू चेक कर लो कितना है, माइनस ऑफ के माइनस 2 और ए वैल्यू इज 6। अल्फा अल्फा गॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई,
ये हो जाएगा माइनस ऑफ के प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। फाइनली जो ये माइनस सिक्स इधर आएगा या फिर टू उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा फोर, तो के इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर। सो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। होप ये बात समझ में आई होगी। सर अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं निकाले? अल्फा प्लस बीटा हम समझ रहे थे माइनस बी अपॉन ए आएगा और उसमें अल्फा प्लस वन बाई अल्फा हो जाएगा, खुद ही अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या फायदा अल्फा की वैल्यू निकाल के, वो तो पहले से ही हमको जरूरत नहीं। हमको क्या चाहिए? के की वैल्यू जो कि सी के प्लेस पे, और सी किस में आता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा से नहीं निकलता तो मैं अल्फा प्लस बीटा पे भी जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, अल्फा एंड बीटा ऑफ जीरोज, ठीक है, और पॉलीनोमियल दिया हुआ है 2x³, तो पॉलीनोमियल इज गिवन एज 2x² प्लस 3x प्लस 5। ए वैल्यू इज 2, बी वैल्यू इज 3 एंड सी वैल्यू इज 5। पूछ कह रहा है कि 1 अपॉन अल्फा और प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालना है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा। मैं अल्फा और बीटा अलग अलग ना निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, इस बात को याद रखना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, तो विच इज माइनस ऑफ 3 अपॉन 2, एक हो गया। अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, सी वैल्यू 5 और ए वैल्यू 2। नाउ इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू यही है, दैट इज माइनस 3/2 होल डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, कितना है 5/2। सो 2 कैंसल, आंसर इज माइनस 3/5। होप कि ये बात समझ में आ रही। अलग अलग निकालोगे, एक्सपेंड करोगे तो थोड़ा सा टिपिकल भी हो सकता है और कुछ क्वेश्चन में निकलेगा भी नहीं। गोइंग फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल दिया हुआ है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो पॉलीनोमियल लिख लिया मैंने, पी ऑफ एक्स 2x² प्लस 7x माइनस 3। वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए? 2। वॉट इज द वैल्यू ऑफ बी? 7। वैल्यू ऑफ सी इज माइनस 3। मैंने बोला था कुछ भी फाइंड करना है तो तुम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना। ठीक है सर, उसका कैसे फायदा होगा? तो देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए, सो माइनस ऑफ 7/2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सो सी वैल्यू इज माइनस 3/2। नाउ आई हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बचपन में हम लोग फार्मूला पढ़े थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो अगर ये वैल्यू चाहिए तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α β। ठीक है, होप की बात समझ में आई होगी। तो सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे लाके, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा की जगह माइनस 3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस 49/4 और यहाँ से प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लो, ठीक है, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो एलसीएम लोगे तो 4, तो 49 प्लस 12 दैट इज 61/4। सो 61/4 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज, अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, सम एंड प्रोडक्ट मतलब अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज गिवन एज माइनस 1, और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने को बोल रहा है। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अगर लेक्चर अभी तक नहीं आया होगा तो लेक्चर में दिया है, ठीक है, चेक कर सकते हो, जो थर्ड लेक्चर आएगा इस चैप्टर में उसमें ये रहेगा कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा फॉर्म होता है। ठीक है ना, याद करने के लिए भी बोला गया है और जनरली सबको ये आता होगा अब तक, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4x और प्लस अल्फा बीटा की जगह माइनस 1, टेक एलसीएम, ये 4 हो जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4, जनरली ये कितना बन जाएगा 1/4, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, तो जो ब्रैकेट में है वही आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट कोई ध्यान नहीं देता, जो वहाँ पे k लिखते थे बाहर में वही कांस्टेंट समझ सकते हो इसको 1/4 को, तो कितना 4x² माइनस एक्स माइनस 4। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें,
कमेंट भी करके बताएं कि और क्या क्या चाहिए आपको सर, ये चैप्टर की सीरीज ला दीजिए या फिर जो भी ये चैप्टर बना दीजिए वीडियोस, या फिर और सारे लेक्चर्स चाहिए सर एमसीक्यू की, फर्स्ट चैप्टर के भी बढ़ा दीजिए सर, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको करो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।